नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हम आपके लिए लेके आ चुके हैं अभी तक क्या हुआ है कोर्ट में, क्या केस हुआ, क्या क्या बात हुई, सब हम आपको शुरू से लेके अंतिम तक बिल्कुल जो अभी तक लाइव अपडेट चल रही है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। लखनऊ कोर्ट बैठने वाली है कुछ ही मिनटों में। जज साहब की कुर्सी ठीक करने आए थे कुछ कर्मचारी। केस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जज साहब अभी नहीं आए हैं, ये उस टाइम की बात है। कुछ ही देर में केस स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत जब केस स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले की बात है, पर हम आपको पूरी डिटेल में बता रहे हैं। जज साहब आके बैठ गए थे, फिर कोर्ट 23 में राजेश चौहान जी की कोर्ट ने अपना केस स्टार्ट नहीं किया है, फ्रेश से आइटम 24 उठा लिया है। सरकार की ओर से एजी नहीं, सीनियर अधिवक्ता प्रसाद चंद्रा जी आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से कोई एजी नहीं आए हैं, बल्कि उनकी जगह प्रकाश चंद्रा जी आए हैं। वंदना सिंह का केस इलाहाबाद से आए वकील ने दाखिल किया था, यह इलाहाबाद से आए हैं, सेम मैटर कनेक्टेड केस से है। अनिल तिवारी जी कोर्ट में उपस्थित हैं, प्रार्थना करते रहे, पॉजिटिव सोचिए, अपने केस की ही सुनवाई चल रही है, एडिशनल की बजाय फ्रेश में लगा केस जज साहब ने उठा लिया है। बीएड बाहर करने को रिजवान ने वंदना सिंह के नाम से केस किया है, उसी के लिए सीनियर काउंसिल एचएन सिंह को प्रयागराज से बुलाया गया है, वहीं चल रहा है, उसके बाद सीधा कट ऑफ मैटर सुना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ी देर पहले की अपडेट है, उसके बाद कट ऑफ सुना जाएगा, ये अभी तक हुआ है। 7-65 विरोधियों का उद्देश्य है कि नेक्स्ट डेट लेने को दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब तक डेट है तब तक फीडिंग है, अब तक भी बीएड बार मैटर पर केस चल रहा है। 1981 नियमावली के नियम 8A2A के रहते बीएड को बार करना मुश्किल है। मिलावट बोर्ड में 33% पर पास किया जाता है, यहाँ पर 65% क्यों किया गया, ये पूछा गया कि जब 33% पे पास किया जाता है तो यहाँ 65% पर क्यों किया गया। तिवारी जी का नंबर लॉन्च के बाद ही या कल ही आ पाएगा केस, जब साहब लंच के बाद लगाते हैं या नहीं या कल लगाते हैं ये कुछ देर के बाद में पता चल जाएगा। फिलहाल जज साहब आज ही केस फाइनल करने के मूड में दिख रहे हैं। प्रशांत चंद्रा सर काउंटर की एक एक लाइन जज को समझा रहे हैं, हमारे फायदे का पैरा 23 है बस। विपक्षी वकीलों ने चंद्रा जी को टोको तो जज ने समझाया शांत रहे, कट ऑफ केस कल से सुना जाएगा, लंच के बाद नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये लाइव अपडेट है, बिल्कुल बता रहे हैं, कट ऑफ का जो केस है वो कल ही सुना जाएगा, लंच के बाद नहीं सुना जाएगा, ये इसने साफ साफ लिखा है। तो दोस्तों आपको फिर से कल का इंतजार करना पड़ेगा, कट ऑफ का पूरा केस कल ही सुना जाएगा, यहाँ साफ साफ मना हो गया है कि लंच के बाद केस नहीं सुना जाएगा।